हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बीएससी के अंदर जो हमारी प्रिपरेशंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, वो आप डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन की जो वीडियोस हैं वो हम चार या पांच वीडियोस बनाएंगे, चार या पांच वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करके कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली प्रिपरेशन से। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने का जो हमारा पहला मेथड है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स दोनों को यूज करके प्रिपेयर कर सकते हैं। इन दोनों को यूज हम करेंगे, इनको अपने ऑक्सीडाइज करना है। हम एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करते हैं। एल्कोहल्स, यहाँ पे मैं बेसिकली प्राइमरी एल्कोहल्स की बात कर रहा हूँ। जो हमारे प्राइमरी एल्कोहल्स हैं या जो हमारे एल्डिहाइड्स हैं, उनकी अपने ऑक्सीडेशन करनी है। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इस रिएक्शन में आप यूज कर सकते हैं एसिडिक एल्केलिन या न्यूट्रल KMnO4। उसके अलावा आप यहां पे यूज कर सकते हो क्रोमिक एसिड एसिडिक मीडियम में। ये दो हमारे बेसिकली रिएजेंट है जो हमें इस रिएक्शन के अंदर यूज करने हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, अगर आप एसिडिक KMnO4 या क्रोमिक एसिड यूज करते हो तो उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ कुछ एस्टर्स भी बन जाते हैं। अब एस्टर्स तो हमें नहीं चाहिए, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही कर रहे हैं, तो एस्टर्स हमारे बाय प्रोडक्ट हैं, इनसे हम बचना चाहते हैं। तो फिर हम KMnO4 को या क्रोमिक एसिड को एसिडिक मीडियम में यूज नहीं करते, हम इस रिएक्शन को करते हैं KMnO4 यूज करके न्यूट्रल या एल्केलिन मीडियम में। इसको आप बेसिकली प्रेफर करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारा जो एस्टर है वो बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रिएक्शन हमारी बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो मैंने अल्कोहल ले लिया, कोई भी अल्कोहल आप यहां पे ले सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल। ये जो आ रही है आपकी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। आपने इसकी रिएक्शन करवानी है KMnO4 के साथ न्यूट्रल मीडियम में या बेसिक मीडियम में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमारा जो एल्कोहल होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड बनेगा। KMnO4 हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो एल्डिहाइड बना होगा ना उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एक्चुअल में यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, उस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, फिर हमारे पास हमारा प्रॉपर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो आपने यहां पे देखा जो हमारा ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। मतलब मैं वैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, सपोज करो यहाँ पे तीन कार्बन थे, यहाँ पे एक कार्बन है, टोटल चार कार्बन हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे चार कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इस आर में हमारे पास तीन कार्बन आ रहे होंगे और ये जो हमारा CH2 वाला फोर्थ कार्बन था यही ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर रिएक्शन आप एल्डिहाइड के लिए भी शो कर सकते हो, एल्डिहाइड्स भी सेम रिएक्शन शो करेंगे। KMnO4 यूज कर सकते हो बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में। एसिडिक मीडियम का ड्रॉबैक मैंने बता ही दिया, अगर आप एसिडिक मीडियम यूज करते हो तो उसमें एस्टर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, वो इसका ड्रॉबैक है। हमें एस्टर चाहिए नहीं रिएक्शन में, हमें सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तो KMnO4 से रिएक्ट करवाओ न्यूट्रल मीडियम में, कुछ नहीं डाल रहा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमारे जो एल्डिहाइड होंगे, हमारे एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जो ये अपना कार्बोनिल ग्रुप था एल्डिहाइड वाला, यही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये कार्बन चेन आपकी जितने मर्जी कार्बन की हो, वो एज इट इज स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, जैसी भी थी वो एज इट इज आके अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमारी पहली रिएक्शन है। इसके कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। जैसे ये देखिए,
अब ये यहाँ पे मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया ब्रांच्ड, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप हमारा आर ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप आप बोल रहे थे, इस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज इट इज रहेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। तो यहां पे मैंने यूज किया KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जो अपना ये ग्रुप है ये एज इट इज रहेगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारा CH2OH ग्रुप था ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखो आप टोटल चार ही कार्बन थे और हमारा जो प्रोडक्ट बना वो भी चार ही कार्बन का बना, कार्बन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम केस हमारा एल्डिहाइड के साथ रहेगा, एक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये एल्डिहाइड आया, अब इसमें भी चार कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है, KMnO4 यूज करो। न्यूट्रल मीडियम में मैंने ऊपर यूज किया था, मैं बेसिक मीडियम में कर लेता हूं, वो मेरी मर्जी है। पानी यानी कि हाइड्रोलिसिस, एल्काइल ग्रुप हमारा एज इट इज रहेगा, एल्काइल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो हमारा CHO ग्रुप था वो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहां पे मैंने एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स दोनों की ऑक्सीडेशन की, दोनों की ऑक्सीडेशन मैंने की है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करके। एल्कोहल के लिए तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन एल्डिहाइड्स के लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो आपने प्लस टू में एक रिएक्शन पढ़ी हुई है, एल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करने की रिएक्शन होती है, टोलन रिएजेंट आप यूज करते हो, तो यहाँ पे भी मैं टोलन रिएजेंट यूज कर सकता हूँ। अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, आप सभी को पता है, सिल्वर का, तो उसको यूज करके भी मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा सकता हूँ। तो मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकता हूँ, कैन बी यूज्ड फॉर एल्डिहाइड्स। एल्कोहल के लिए नहीं कर सकता माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सिर्फ मैं एल्डिहाइड्स के लिए ही यूज कर सकता हूँ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास आ जाएगा टोलन रिएजेंट, अमोनिकल सॉल्यूशन था मैंने बताया, जैसे या आप यूज कर सकते हो फैलिंग सॉल्यूशन, कॉपर आयंस का सॉल्यूशन होता है बेसिक मीडियम में। तो ये हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इनको आप एल्डिहाइड के लिए यूज करो। एल्डिहाइड को ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडाइज कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। खैर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, उसको फिर आप फर्दर हाइड्रोलाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बना सकते हो। फटाफट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड ले लिया, टोलर रिएजेंट इसमें मैंने ऐड कर दिया, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। बच्चे ये सॉल्ट जो बना हमारा, इसकी आपने फर्दर क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। तो इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी, अब बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारी पहली रिएक्शन थी, हमने एल्कोहल या एल्डिहाइड से प्रिपेयर किए हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर आ जाती है हमारे पास हमारी सेकेंड प्रिपरेशन। जो हमारी सेकंड प्रिपरेशन है वो मैं आपको स्पेशल बता रहा हूं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, स्पेशली फॉर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सेकंड प्रिपरेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। हमारे पास हमारी बेंजीन होगी, बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। यह एल्काइल ग्रुप आपका प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी होना चाहिए, टर्शियरी की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होगा, उनकी आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। अगर आपने ध्यान से देखा हो एल्काइल ग्रुप को मैंने यहाँ पे R से रिप्रेजेंट कर दिया, ये R जो है ये एक कार्बन की चेन भी हो सकती है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है,
दो कार्बन की चेन भी हो सकती है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, तीन कार्बन की चेन भी हो सकती है। मैंने बताया यहां पे प्राइमरी भी आ सकती है, सेकेंडरी भी आ सकती है, टर्शरी नहीं आ सकती। तो मतलब कोई मर्जी कार्बन चेन हो, यहां पे मैंने तीन ही कार्बन का एग्जांपल लिया, चार कार्बन, पांच कार्बन, दस कार्बन भी होंगे अगर, तो उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन हो गया वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हमारा फिक्स है, बेंजोइक एसिड बनेगा। ऊपर वाली जो कार्बन चेन होती है वो कार्बन चेन कोई मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, दस कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवा के वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ऐसे में कौन कौन से यहाँ पे रिएजेंट यूज कर सकता हूँ, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं वो करते हैं KMnO4, वही न्यूट्रल या एल्केलिन मीडियम, या आप K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हो। रिएक्शन जो है हमारी वो टू स्टेप रिएक्शन रहेगी, इनमें से आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो। जब आप इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, जैसे मैं यहां पे ले देता हूं, मैंने KMnO4 यूज कर लिया न्यूट्रल मीडियम के अंदर, तो ये हमारे अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, सॉल्ट बनाएगा। तो जैसा मैंने बोला टू स्टेप रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा, फिर आपको सॉल्ट की क्या करनी पड़ेगी, हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। टू स्टेप रिएक्शन है, मैं पहले भी दिखा सकता था पहले वाली रिएक्शन में, लेकिन वही आप पहले वाला मेथड यूज करेंगे। पहले स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अगर अपनी बेंजीन पे कोई और ग्रुप लगा होता तो उस ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो ग्रुप अपना एज इट इज रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो कोई मर्जी अल्काइल ग्रुप हो, चाहे एक कार्बन हो, चाहे दो कार्बन हो, चाहे तीन हो, चाहे दस कार्बन हो, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, बेंजोइक एसिड बनेगा। एग्जाम्पल मैं एक पर्टिकुलर देता हूं, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पे मान लो मैंने NO2 लगा दिया, वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट है, मेन बात यहां पे ये है, देखो मैंने ये ग्रुप लगा दिया, अब तीन कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इनमें से कुछ भी यूज कर सकता हूं, तो मैंने नाइट्रिक एसिड यूज कर लिया, पहले स्टेप में एसिड, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस, फर्क ही नहीं पड़ेगा कितने कार्बन की चेन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाली जो चेन है वो आपकी कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, नीचे आपका ग्रुप एज इट इज। तो ये हमारी स्पेशली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, बेंजीन आ रहा है ना, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप आ गया, तो स्पेशली बेंजोइक एसिड बनाने के लिए रिएक्शन थी। सेकेंड प्रिपरेशन हमने डिस्कस की हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, दो प्रिपरेशन आप डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड प्रिपरेशन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है थर्ड प्रिपरेशन, इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है। थर्ड प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स आप समझते हैं साइनाइड वाले कंपाउंड्स, यानी कि मैं इनकी बात कर रहा हूं। हम हमारे नाइट्राइल्स को, साइनाइड वाले कंपाउंड्स को कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये रिएक्शन हमने सुनी हुई है 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास में एक चीज बताई जाती थी, एल्काइल हैलाइड लो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा दो KCN के साथ, ये KX यहां पर रिमूव हो जाता था, तो हमारे पास बन जाते थे हमारे नाइट्राइल्स। इन नाइट्राइल्स की हमें रिएक्शन बताई जाती थी पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में नाइट्राइल्स जो होती हैं वो अमाइड बनाती हैं, और जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है हमारी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती हैं।
तो हमने ये वाली रिएक्शन पढ़नी है, हम नाइट्राइल्स को यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, तो हमने हमारे नाइट्राइल्स की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है। तो यहां पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। जब आप साइनाइड्स के अंदर एक पानी का मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो वो होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, लेकिन जब आप नाइट्राइल्स के अंदर या साइनाइड्स के अंदर दो पानी के मॉलिक्यूल ऐड करते हो तो वो होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। मैकेनिज्म मैंने करवाना है जैसा मैंने बताया, तो मैकेनिज्म में आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जब मैं एक पानी का मॉलिक्यूल ऐड करूंगा तो वहां पे अमाइड बनेगा, उसी अमाइड के अंदर मैं एक और पानी का मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, टोटल दो मॉलिक्यूल हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं कैसे करनी है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जो रिएक्शन है हमारी वो एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, बेसिक मीडियम में भी हो सकती है। रिएक्शन का नक्कली H+ और OH नेगेटिव, H+ का मतलब है एसिडिक मीडियम, OH नेगेटिव का मतलब है बेसिक मीडियम। तो आप रिएक्शन दोनों मीडियम्स में करवा सकते हो। तो इसका मतलब यही हुआ कि अपने को दोनों मीडियम्स के मैकेनिज्म करने पड़ेंगे, हम एसिडिक मीडियम का भी मैकेनिज्म करेंगे, हम बेसिक मीडियम का भी मैकेनिज्म करेंगे। तो ये इसमें पहली चीज है। दूसरा मैंने बता ही दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवानी है, क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हो तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से मेरा क्या मतलब है, टू मोल्स ऑफ वाटर। रिएक्शन देखो एक बार, जनरल रिएक्शन दिखा रहा हूं मैं, साइनाइड है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, आपकी मर्जी है एसिडिक मीडियम में बेसिक, एक बार मैं एसिडिक ले लेता हूं, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिप्रेजेंटेशन दी मैंने आपको, पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, तीन कार्बन वाला मैंने यहां पे नाइट्राइल लिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने बेसिक मीडियम ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं ना आप, एसिडिक में भी करवा सकते हैं, बेसिक में भी करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा बन जाएगा तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन है, नाइट्राइल्स की रिएक्शन है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाई, एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हो, बेसिक में भी करवा सकते हो। मैकेनिज्म देखते हैं एसिडिक मीडियम में कैसे होती है रिएक्शन, बेसिक मीडियम में कैसे होती है रिएक्शन, तो हम इसका डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म। पहले मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं बेसिक मैकेनिज्म को, मतलब अगर मैं बेसिक मीडियम चूज करता तो रिएक्शन कैसे होगी। मैकेनिज्म मैं दिखा देता हूं जनरल एग्जांपल पे, मतलब जनरल एग्जांपल पे मैकेनिज्म दिखाने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल हो, बस आप आर को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करो, बाकी सारा मैकेनिज्म एज इट इज चलेगा। तो जनरल मैकेनिज्म करवाने का ये बेनिफिट है, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए आप उसका मैकेनिज्म शो कर सकते हो। तो यहां पे मैं जनरल मॉलिक्यूल के लिए शो कर रहा हूं। तो देखो साइनाइड, बेसिक मीडियम है, OH नेगेटिव का अटैक होगा। अब इसमें कार्बन नाइट्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। OH नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक किया, नाइट्रोजन वाला जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पे क्या बन जाएगा, देखो आर सी ओ एच डबल बॉन्ड एन नेगेटिव, जो ये वाली पाई बॉन्ड थी वो यहां पे गई नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे मैंने OH का अटैक करवाया था, OH ने नेगेटिव चार्ज जनरेट करके बॉन्ड बना ली थी, तो ये एज इट इज। कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं पर उस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे वाला स्टेप देखो, जो आगे वाला स्टेप है हमारा, हाइड्रोलिसिस हम कर रहे थे, हाइड्रोलिसिस का मतलब पहला पानी का मॉलिक्यूल आ गया, दो पानी के मॉलिक्यूल है ना अपने पास, पहला पानी का मॉलिक्यूल आ गया, ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेगा और OH नेगेटिव एज इट इज रिमूव कर देगा।
OH नेगेटिव जो आपने पहले स्टेप में यूज किया था वो अपने को वापस मिल गया है, यहां से OH नेगेटिव अपना रिमूव हो जाएगा, तो ये माइनस OH नेगेटिव बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड NH। अब देखो बच्चे यहां पे होगी टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म आपने पढ़ा हुआ है 1-3 माइग्रेशन ऑफ H प्लस यानी कि प्रोटॉन। तो यहां पे देखो ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है, पहले आइटम से हाइड्रोजन जाएगा तीसरे आइटम पे, टोटोमेरिज्म इज द 1-3 माइग्रेशन, तो यहां पे मैं 1-3 माइग्रेशन करवा रहा हूं, पहले से तीसरे आइटम पे हाइड्रोजन भेज देंगे। अब फ्री में तो देंगे नहीं, हाइड्रोजन देंगे तो बदले में क्या लेंगे, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड ऐसा बोल देते हैं। तो ये देखो ये हाइड्रोजन चला गया हमारा यहां पे और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गई तो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो गया NH2 बन गया अमाइड। आपको बोला था मैंने जब आप नाइट्राइल के अंदर एक पानी का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, दैट इज द पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब इसी के अंदर एक और पानी का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी। इस तरीके से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहां देखो अमाइड मैंने बना लिया है, मैकेनिज्म का पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं, मेरे पास अमाइड बना था, इस अमाइड पे ऊपर OH नेगेटिव फिर से अटैक करेगा। अब देखो अमाइड आपने बनाया, उस अमाइड पे OH नेगेटिव जो है वो फिर से अटैक करेगा। अब कार्बोनिल ग्रुप है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारा OH नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहां देखो RCO नेगेटिव यहां पे आ गया OH, यहां NH2 as it is, ठीक है। अब उसके बाद देखो फिर से पानी का मॉलिक्यूल आया, दो पानी के मॉलिक्यूल यूज करने थे, ये पहला मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल। O नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्सॉर्ब करके फिर से OH को निकाल देगा, मतलब जो बेस का मॉलिक्यूल आपने यूज किया था वो वापस कर दिया। बेस यहां पे ऐसे कैटलिस्ट यूज हो रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है हम उसका अटैक करवाते हैं बाद में उसको वापस कर देते हैं, तो हम उसको यूज नहीं कर रहे रिएक्शन के अंदर। तो यहां पे भी आपने OH लिया था वापस कर दिया था, यहां पे भी आपने OH लिया वापस कर दिया, ये H जो है वो आ जाएगा यहां पे। तो अब देखो RCOH OH NH2 एक ही कार्बन पे दो OH आ गए, स्टेबल नहीं होते, तो यहां पे ये वाली बॉन्ड जाएगी यहां और हम इसको बाहर निकाल देंगे। एक निकला NH2 नेगेटिव, एक निकला H पॉजिटिव, दोनों मिलके बना देंगे अमोनिया, अमोनिया रिमूव हो गया और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये था हमारा बेसिक मीडियम। फिर से देख लो, नाइट्राइल था, OH नेगेटिव का अटैक करवाया, OH नेगेटिव का अटैक करवाया, पाई बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन पे चला गया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, पहले पानी के मॉलिक्यूल से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके OH नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट हमारा टोटोमराइज होता है, सॉरी यहाँ पे एरो जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया, डबल हेडेड एरो लगेगा, टोटोमराइज होगा। टोटोमराइज में क्या होता है, 1-3 माइग्रेशन, पहले एटम से तीसरे एटम पे हाइड्रोजन चला गया, बदले में आपने पाई बॉन्ड ले लिया, अमाइड बन गया। अब ये जो अमाइड बना ये क्या करेगा, फिर से OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे जो O नेगेटिव आया वो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, तो ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी, NH2 बाहर, अमोनिया बाहर, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बेसिक मैकेनिज्म शो किया मैंने आपको, बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म शो करने के बाद लास्ट है हमारा एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म। तो एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म जो रहेगा वो देखो, बी पार्ट आ गया हमारा
एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म जो है वो आप यहां पे अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो, नाइट्राइल्स एसिडिक मीडियम है तो H प्लस, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन एब्सॉर्ब कर लेगा। हाइड्रोजन एब्सॉर्ब करने की वजह से इसमें पॉजिटिव आ गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, खुद पे तो पॉजिटिव रखेगा नहीं, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, कार्बन पे ले आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, पानी से रिएक्ट करेगा। तो ये आ गया अपना पहला पानी का मॉलिक्यूल। पहला पानी का मॉलिक्यूल आया, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो कार्बन पे अटैक करेंगे। तो यहां पे देखो, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, बॉन्ड बन गई, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, ये दो हाइड्रोजन एज इट इज। अब आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, खुद पे पॉजिटिव तो रखेगा नहीं, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीनता है, हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन्स के भगा देगा, यानी कि H प्लस हमारा रिमूव हो गया। जो एसिड का H प्लस आपने लिया था ना, वो एसिड को वापस कर दिया। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा आर सी ओ एच डबल बॉन्ड एन एच। इसमें अब क्या होगी, टोटोमेरिज्म, ये टोटोमराइज होगा, यानी कि 1-3 माइग्रेशन। ये पहला एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, हाइड्रोजन दे देंगे बदले में डबल बॉन्ड ले लेंगे। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगी, कुल मिला के वही बात, अमाइड बन जाएगा। तो यहां भी आपने क्या देखा, जब मैंने नाइट्राइल के अंदर एक पानी का मॉलिक्यूल ऐड किया तो अमाइड बन गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाला काम। अब इसके अंदर एक और सॉरी अब इसके अंदर एक और पानी का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, हमारे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो कैसे अमाइड बन गया, लोन पेयर है इसके पास। अब ये दोबारा क्या करेंगे, आप इस पे H प्लस का अटैक करवाएंगे। तो यहां देखो, ये H प्लस, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट हो गया। डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव एन एच टू, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया ना, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। ऑक्सीजन तो अपने ऊपर पॉजिटिव रखेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, ये वाली बॉन्ड तोड़ देगा, फिर से कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब कार्बन पे पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, आपको बताइए, पानी का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, पानी ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया, वही ऊपर वाली कहानी, ये OH as it is, ये NH2 as it is, यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो पॉजिटिव, ये दोनों हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, खुद पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं रखेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छीन के H प्लस बना देगा, आर सी ओ एच ओ एच एन एच टू। ध्यान से देखो, बेस वाला प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पर क्या करेंगे, एक कार्बन पे दो ओ एच पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली बॉन्ड यहां पे, ये यहां पे, वही अमोनिया रिमूव होगा, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म है। तो हमने यहां पे तीन रिएक्शंस को डिस्कस किया प्रिपरेशन की, बाकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन है वो आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।